भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के स्टार्टअप योजना से जुड़े हुए युवा उद्यमियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के विख्यात 7 युवा स्टार्टअप उद्यमियों हुसैन खान, जावेद कागजी, एडवोकेट मुराद अली शेख, मोहम्मद कैफ, अयूब खान, रोहिल खान, उस्मान खान चौहान को डॉक्टर कलाम स्टार्टअप राष्ट्र स्तरीय यूथ अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस दौरान युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र भेंट कर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल तथा विधायक जितेंद्र गोठवाल ने युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के वादे को धरातल पर यथार्थ रूप से जीवित करता है। देश में आज का युवा रोजगार दाता बने, न कि नौकरी की लाइन में खड़ा हो, वो स्वयं नियोक्ता बने और इसके लिए छोटे छोटे स्टार्टअप से अपना काम शुरू करे। मुझे खुशी है कि आज अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा देश के बहुत ही प्रतिष्ठित रहे राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब आजाद की प्रेरणा से जिन लोगों ने अपना नया बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप प्रारंभ किया, ऐसे कुछ यशस्वी चयनित नौजवानों को अवार्डेड करने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान ने किया है। मैं सभी अवार्डीज के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम समाज में भी आगे आकर नए स्टार्टअप के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय इनोवेशन के साथ, नवाचार के साथ प्रारंभ करने की प्रतिस्पर्धा हो और ये समाज भी व्यवसाय की आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए व्यवसाय में अपने नए आयाम स्थापित करे। इस प्रकार की भावना के साथ आज का कार्यक्रम आयोजित था। मैं सभी अवार्डीज को बधाई और अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनके प्रोत्साहन का ये कार्यक्रम रखा। आज हम सब आपके सामने उपस्थित है जहाँ भारतीय जनता पार्टी एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको सबसे पहली बार अगर किसी ने एक अल्पसंख्यक वर्ग का किसी को देश के इतने बड़े स्तंभ पर ला करके राष्ट्रपति का दायित्व दिया था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया था। और मैं समझता हूँ कि आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कार्यक्रम पहले भी उनके पुण्यतिथि के दिन पे किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान के हर एक जिले में कार्यक्रम हुआ है। और आज यहाँ पे जो हम लोग एकत्रित हुए तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो उनके जो कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए आज हमने एपीजे अब्दुल कलाम के यूथ अवार्ड के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए। और जो अल्पसंख्यक वर्ग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप से अपना बिजनेस शुरू किए, अपना कोई कार्यक्रम जो उनको ठीक लगा उन्होंने उसका कार्यक्रम किए और आज सफल हुए, ऐसे लोगों को यहाँ पे माननीय हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जमाल सिद्दीकी जी के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के अवार्ड फंक्शन दिल्ली में भी ये कार्यक्रम एक बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, जहाँ पे हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू जी, वे स्वयं उपस्थित रहेंगे और वहाँ दिल्ली के जो अवार्डीज है उनको स्वयं अपने हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। यहाँ राजस्थान में जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से आज के दिन में पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जितने भी हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ने स्टार्टअप के द्वारा अपना कोई बिजनेस शुरू किए उनको आमंत्रित करके
उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि स्टार्टअप यूथ अवार्ड 2024 की प्रतियोगिता में राजस्थान प्रदेश की अल्पसंख्यक समुदाय के युवा उद्यमियों द्वारा बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया जाना निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल साबित होगी।